मैं कभी भी बहुत ज्यादा हेल्दी नहीं था, मतलब कि बीमार रहा करता था उन दिनों। और मुझे उन दिनों मिर्गी की बीमारी थी, तो बेहोश हो जाता था, कहीं गिर जाता था, डर लगता था कि ट्रेन में लटकते लटकते तो कहीं मिर्गी आ गई, तो कहीं गिर गया, तो रास्ते पे गिर गया, तो टेरिस पे चढ़ा वहां से गिर गया, तो साइकिल चला रहा वहां से गिर गया। तो ऐसे बहुत सारी चीजें जो घबराहट वाली होती थी उस जमाने में, मम्मी को सताया करती थी। तो मुझे जिंदगी में ये कहा गया कि गोविंद, तुम्हें ये बहुत सारी तकलीफें हैं, तुम बहुत कमजोर हो, वीक हो, मैं तुम्हें ईश्वरीय प्रार्थना में जो दैवी कृपाएं होती हैं, मैं उसको तुम्हें उसका नजारा दिखाना चाहती हूँ, उसका नजारा देखो तुम किसी भी हाल। तो मुझे कहा कि मैं 24 लाख गायत्री मंत्र पढ़ा करूं। तो मैं 3 घंटा रोज पूजा प्रार्थना में लगा रहता था, और मेरे स्टूडेंट्स से साथ में जो दोस्त थे वो, और साथ में जितने प्राध्यापक थे वो कहा करते थे, क्या भगवान आके लिखने वाला है क्या तेरा तेरा पेपर। तो बहरहाल मैं कभी फेल भी नहीं हुआ और फ्लॉप भी नहीं हुआ, ये ऊपर वाले ने मुझ पर बहुत कृपा की। फिर मुझे याद रहने लग गया मेरी हेल्थ, बहुत ज्यादा लोग जो सोचा करते थे जिस तरह से, वैसे कभी खराब नहीं हुई। मैं सुंदर लग रहा था लोगों को लग रहा था इस आदमी में इतनी शक्ति कहां से आ गई। तो शक्ति उस वक्त वहीं से मिला करती है जिसकी आप प्रार्थना करते हैं। तो जिंदगी में आप चाहते हैं कि सरस्वती रूप से आपको शक्ति प्राप्त करना है, या लक्ष्मी की प्राप्त करना है, या महाशक्ति की करना है, तो उस शक्ति की प्रार्थना वो उसकी शुरुआत है। मुझे नहीं लगता इससे पहले किसी भी यहां पे आके हीरो ने ये इस तरह से कहा होगा, परंतु यही सच है।